ओके आंसर नो क्वेश्चन में बोला गया है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्जिन डिमांड स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर ऑफ स्पर्म एंड एग. इन व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. इसके रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेक्ट दिया हुआ है. पहला बिंडिन जो है वो एक्रोसोम पे रहता है. यस बिंडिन रिसेप्टर जो है एक के व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे रहते हैं. बिल्कुल सही नो डाउट. ठीक है नेक्स्ट देखिए बिंडिन इन द एग मेम्ब्रेन. एग में एग के मेम्ब्रेन में कब से बिंडिन होने लगा. गलत. नेक्स्ट रीसेक्ट ऑन एग जेली ओके बिंडिन ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन नो ऑन अ एक्रोसोमल वेसिकल. गलत. नेक्स्ट प्रोटियोजोम ऑन ये वाला केस कहाँ से आ गया. प्रोटियोजोम ऑन एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है जिसमें कि बिंडिन एंड बिंडिन रिसेप्टर काम करते हैं. तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल बोला गया इन सी आर्जिन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कैन बी इंश्योर्ड ओनली After specific interaction between the sperm protein and the receptor on the egg white line envelope. Which of the following will ensure the proper fertilization of C. archin egg? पहला है expression बता रहा है आपको कि proper fertilization जो है C. archin में कब होगा. When expression of EBR1 which is a putative Bindin receptor on the surface of acrosomal membrane. EBR1 acrosomal membrane पे रहता है जो कि बिंडिन का रिसेप्टर है. गलत. राइट नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिन जस्ट बिलो द एग जेली नो एक्सप्रेशन ऑफ ईबीआर ऑन एग व्हाइट लाइन एनवेलप. यस ये सही कैंडिडेट है फिलहाल में ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिन मॉलिक्यूल ऑन एग व्हाइट लाइन एनवेलप बिंडिन कब से एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा. गलत. तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. देख रहे हैं आप कितना आसान आसान सा क्वेश्चन आया है. अगला सवाल ब्लैक स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन तो नहीं हुआ कुछ. क्या बात है एसके जी कान पे आपके जू भी नहीं रेंग रही है. हम तब से बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देना है फिर भी आप दिए जा रहे हैं. इसको लेके हमने तीसरी बार देखा है. चल क्या रहा है. ओके अभी सुनाई दिया दूसरी बार टोक रहे हैं आपको. चलो आंसर दो. क्या बोला गया है. ड्राइस परफॉर्म द फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन विद इन विद अ 8-cell सी आर्चिन एम्ब्रियो. दिस प्रोसीजर रीशफल द न्यूक्लियाई दैट नॉर्मली वुड हैव बीन इन द रीजन डेस्टिनेट टू फॉर्म द एंडोडर्म इनटू द प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्मल रीजन. इफ सेग्रीगेशन ऑफ अ न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट हैड अकर्ड The resulting embryo could have been disordered. However, the Dreich obtained a normal larva from the embryo. The possible interpretation regarding the 8-cell C. archin embryo are. अब ये जो experiment perform किया गया था pressure plate experiment पे जो कि 8-cell stage में perform किया गया था आप उससे क्या conclusion निकाल सकते हैं. आपको बताना है true statement. पहला The prospective potency of an isolated blastomere is greater than its actual fate. बिल्कुल सही क्योंकि हमें वहां पे जो है conditional इसका result क्या देखने को मिला था हमको that is conditional specification देखने को मिला था. तो उसके केस में क्या होता है उसके केस में जो potency है वो obviously greater होती है fate के. ये statement सही हो गया. Next देखिए prospective potency and the prospective fate of blastomere were identical. ना ये तो ऑटोनॉमस में होता है. गलत.
थर्ड है सी आर्चिन एम्ब्रियो इज अ हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंट्रैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एम्ब्रियो. बिल्कुल सही बोला गया है, इसके बारे में मैंने आज ही बताया था आपको. नेक्स्ट है रेगुलेटिव डेवलपमेंट अकर व्हेन अकर्स वेयर लोकेशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो डिटरमाइन इट्स फेट. यस, रेगुलेटिव यानी कंडीशनल डेवलपमेंट में एक एम्ब्रियो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है वही चीज जो है उसके फेट को डिटरमाइन करती है. तो देखा जाए तो हम बी को हटा दे तो ए सी डी चारों तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है या मेरे पीछे छुप गया? ओके, आंसर नाउ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन एम्ब्रियो इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ फोर सेल स्टेज पोजेस अ पोर्शन ऑफ ओरिजिनल एनिमल वेजिटल एक्सेस एंड इट्स आइसोलेटेड एंड इफ आइसोलेटेड एंड अलाउड टू डेवलप विल फॉर्म अ कंप्लीट बट स्मॉलर लार्वल साइज. बिल्कुल सही. फोर सेल स्टेज तक आपको पता है सभी सेल के पास जो है एनिमल हेमिस्फेयर भी होता है वेजिटल हेमिस्फेयर भी होता है, इसलिए आपको क्लीवेज समझाया गया था. जब फोर सेल स्टेज में जब आप सेल्स को अलग अलग करते हैं तो आपको कंप्लीट ट्यूटस लार्वा मिलता है, बस थोड़ा साइज में स्मॉलर होता है. ठीक है, ईच ब्लास्टोमियर ऑफ एट सेल स्टेज हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म द कंप्लीट एम्ब्रियो बट बाई 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर विल डेवलप अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिजम्प्टिव फेट. नहीं, पहला वाला स्टेटमेंट सही है. एनी ब्लास्टोमियर आइसोलेटेड टिल द प्लूटस लार्वा फॉर्मेशन विल रेगुलेट टू गो ऑन एंड डेवलप इन टू द फुल साइज एम्ब्रियो. नो, आफ्टर एन इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन एट अ 16 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक हुआ था ये, तो ये भी गलत हो गया. तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल, क्या बोला है? द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इंट्रैक्शन बिटवीन द सर्फेस सॉरी फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इंट्रैक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ एग and the acrosomal protein, specifically a 3.5 kDa protein called the bindin is necessary. So successful fertilization ke liye bindin aur bindin receptor ka interaction zaruri hai. The following factor could affect this interaction and prevent fertilization. Kaun se factor yahan pe fertilization ko prevent kar sakte hain yani rok sakte hain? Pehla, removal of egg jelly polysaccharide. अगर आप एग जेली को हटा दो तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, बट हमने ये देखा था कि लैब के केस में डी जेलिड एग को लिया गया था बिंडिन के साथ बाइंड करवाने के लिए और बिंडिन सक्सेसफुली बाइंड किया था, यानी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है बट इन विट्रो पॉसिबल है. तो लेकिन ये जो जनरल स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी जेलिड एग जो है फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन करवाएगा. और आपको पूछा गया है कौन फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो नहीं रोकेगा फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन होने देगा. नेक्स्ट देखिए, रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर ऑन द एग वाइटलैंड एनवलप. अब भाई साहब अगर आप रिसेप्टर ही रिमूव कर दोगे, ठीक है, रिसेप्टर का ही आपने रिमूवल कर दिया सेकेंड स्टेटमेंट में, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो यस, बी स्टेटमेंट सही हो गया. सी देखते हैं, रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम द एग जेली. एक जली में भाई साहब कोई बिंडिन रिसेप्टर होगा तब तो रिमूव करोगे, एकदम इनवैलिड स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब एकदम ही हटा दो इसको, कोई वैलिड है कोई भी यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट बोला ही नहीं गया. नेक्स्ट बोला है रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम अ सिंगल क्लस्टर ऑन अ वाइटलैंड मेम्ब्रेन. अगर आप सिंगल क्लस्टर से बिंडिन रिसेप्टर को हटा भी देते हो, ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, 100 ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स पे जो है जाकर जो है बिंडिन बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस केस में भी फर्टिलाइजेशन होगा, रुकेगा नहीं, राइट? तो पूछा ये गया था किस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इस इंट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा, तो बी के अलावा और कोई स्टेटमेंट इस इंट्रैक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोक नहीं रहा है, तो वी कैन गो विद द सेकेंड ऑप्शन. ओके, आंसर मी. देखिए क्या बोला गया है,
पॉलीस्पर्मी रिजल्ट वेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज एन एग. इट इज यूजली लेथल सिंस इट रिजल्ट इन द ब्लास्टोमियर विद डिफरेंट नंबर्स एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम. मैनी स्पीसीज देयरफॉर हैव टू ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी. पहला है फास्ट ब्लॉक एंड दूसरा है स्लो ब्लॉक. तो यहाँ पे सी आर्चिन के केस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको टू स्टेटमेंट बताना है. क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग एंड इज मीडिएटेड बाई एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. बिल्कुल सही बोला है, ट्रू. नेक्स्ट है फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज येस विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग येस एंड इज इमीडिएट एंड इज मीडिएटेड बाई एन इफ्लक्स. इफ्लक्स यानी बाहर निकलना. इट इज मीडिएटेड बाई इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. नो, इट इज मीडिएटेड बाई इनफ्लक्स. इनफ्लक्स यानी सेल के अंदर आना. तो बी गलत हो गया, ए सही हो गया. नेक्स्ट है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाई द कैल्शियम आयन. बिल्कुल सही. डी बोला है द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाई द पोटेशियम आयन. नो, गलत. तो हो गया आपका ए एंड सी, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. अगला सवाल क्या बोला गया है क्वेश्चन में देखिए. ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन बीटा कैट एक्यूमुलेट प्रीडोमिनेंटली इन द माइक्रोमियर विच आर फेटेड टू बिकम एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है, तो बीटा कैट जो है प्रीडोमिनेंट बेसिस पे माइक्रोमियर में एक्यूमुलेट होता है और वो माइक्रोमियर जो है कुछ पोर्शन उसका एंडोडर्म बनता है, कुछ मेसोडर्म बनता है. अगर जीएसके थ्री को ब्लॉक कर दिया जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो में तो क्या होगा. ठीक है, तो जीएसके थ्री को ब्लॉक कीजिए या LiCl को अप्लाई कीजिए, बात तो एक ही है. लिथियम क्लोराइड को अप्लाई कीजिए, बात एक ही है, राइट. तो बोला है बीटा कैट accumulation in the nuclei of the large micromere will be inhibited leading to the formation of ectodermal ball. beta cat ka accumulation kyun inhibit hoga bhai, wo to uski to azadi ho gayi hai, theek hai, uski to mauj hi mauj ho gayi hai. wo to chahega ki bhai main har jagah hi jaake jo hai express kar jaun kyunki usko mauka mil gaya hai. ye statement galat. next, beta cat will accumulate in the nuclei of all blastula cell. yes, leading to an ectodermal ball. बिल्कुल सही. ये सभी, सॉरी उल्टा बोला, ना ना ये नहीं होगा. ectodermal ball तो तब बनेगा जब बीटा कैट नहीं रहेगा, राइट. तो बीटा कैट सारे न्यूक्लियाई यानी सारे ब्लास्टुला सेल के न्यूक्लियाई में एक्यूमुलेट तो होगा लेकिन ectodermal ball नहीं बनाएगा, वो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनाएगा. तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट देखिए, बीटा कैट विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल. यस, लीडिंग टू द एनिमल सेल गेटिंग स्पेसिफाइड एज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. बिल्कुल सही, ट्रू. आप ध्यान देंगे ये इस टॉपिक से ये सेकेंड क्वेश्चन है. इससे पहले भी कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है. नेक्स्ट, बीटा कैट विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ अ लार्ज माइक्रोमियर विल बी इनहिबिटेड. का है इनहिबिटेड बाई, कोई इनहिबिटेड नहीं होगा. वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. ओके, अगला सवाल क्या बात है एसके जी, आप तो जॉइंट लिवर की तरह भूला सिंड्रोम शो कर रहे हैं, मिनट मिनट में भूल जा रहे हैं हमारी वार्निंग्स को. चल क्या रहा है, हमको भी बताइए. चलिए आंसर दीजिए. ओके, क्या बोला गया है देखिए. ये क्वेश्चन थोड़ा हॉट एरिया वाला है, हॉट यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला है. ये क्वेश्चन को लिया गया है एक रिसर्च पेपर से लिया गया है. वो रिसर्च पेपर मुझे मिला लेकिन एग्जैक्टली यही सब चीजें नहीं मिली. ऑफकोर्स ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये गिल्बर्ट में भी दिया गया है, इस पिक्चर को दिया गया है गिल्बर्ट में. साथ ही साथ ये एक रिसर्च पेपर का पार्ट है, ठीक है. आई थिंक पीएनएस का ही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्वेश्चन को जरा देखते हैं, समझते हैं क्या बोला गया है. डबल नेगेटिव गेट पे क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा उस टॉपिक पे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ मिक्स करके उसको दिया जाता है. क्या बोला है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सी आर्चिन माइक्रोमियर
इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ अ रिप्रेसर प्रोटीन PMAR1 विच रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ HESC. तो हमको पता है कि PMAR1 जो है वो HESC को रिप्रेस करता है, कहाँ पे? माइक्रोमियर में. ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे कंसेप्ट वाले क्लास में. वन ऑफ द जीन कंट्रोल बाय HESC इज डेल्टा. और अगर HESC एक्टिवेटेड रहता है तो वो डेल्टा को काम नहीं करने देता है. हेंस हम ये कह सकते हैं कि PMAR1 काम करता है तब डेल्टा काम कर सकता है. ये आपको डबल नेगेटिव गेट में देखने को मिला था कि डेल्टा नॉट सिग्नलिंग के द्वारा जो माइक्रोमियर है वो एक अलग फेट लेता है और जो वेज 2 है उसको अलग फेट दिया जाता है. ठीक है. Whose expression is used as a marker for the micromere lineage. यानी सीधी सी बात है कि if delta is getting expressed, अगर delta express हो रहा है, that is an indication कि वो वाला cell क्या है, micromere है. यानी हम delta के expression को as a marker, as a indicator लेके चल सकते हैं. कहानी क्या है? The lineage below represent a sea urchin embryo on which होल माउंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज डब्ल्यू मिश, ठीक है, वॉज परफॉर्म यूजिंग द डेल्टा प्रो. अब यहाँ पे जो डब्ल्यू मिश की बात की गई है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना. ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही है जिसमें प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है. आपको पता है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम मेनली जो है DNA या RNA का जो एरिया होता है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और प्रोब का इस्तेमाल करके हम जो है बाइंडिंग करवाते हैं. अगर जिस भी जीन रिलेटेड या जिस भी टारगेट रिलेटेड आप प्रोब यूज करते हो वो प्रोब जाके उसी टारगेट को बाइंड करता है. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का जो कि मे बी आपको यूनिट नंबर 12 एंड 13 में थोड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. बट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ऐसे काम करती है, दैट इज DNA RNA का आइडेंटिफिकेशन होता है किस लोकेशन पे और उसके लिए हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं. वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे डेल्टा प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है. इंडिकेटेड बाय द एरिया ए द रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज लेबल्ड एज बी. तो ए एरिया में जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए एरिया में दैट इज डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है. कहाँ पे? ए में, यानी बीच वाले एरिया में डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है. और बाकी जो एरिया है जहां डेल्टा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसको मेंशन किया गया है बी. तो देखिए अब सिंपल सी बात है कि जहां पे डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज अ इंडिकेशन कि इसी एरिया में PMAR1 एक्सप्रेस कर रहा होगा तभी वहां डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है. और बाकी एरिया में जहां डेल्टा नहीं है वहां कौन एक्सप्रेस कर रहा होगा? HESC एक्सप्रेस कर रहा होगा. ये कॉमन सेंस है जिसके थ्रू हमने इसको पूरा लेबल कर लिया सिंपल, क्योंकि इनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे मार्क किया है. तो ए वाले रीजन में PMAR1 डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है नॉर्मल केस में जो कि यहाँ पे दिखा के रखा है और बाकी जगह पे HESC एक्सप्रेस कर रहा है. अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट दिया गया है कॉलम वन में और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉलम बी में दिया गया है. आपको सही मैच करना है, करेक्ट मैच करना है. तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको करेक्ट मैच करेंगे. पहला है वीमिश विथ HESC प्रो, यानी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया गया जिससे कि HESC प्रोब इस्तेमाल किया गया. अब प्रोब HESC के लिए स्पेसिफिक है तो किससे जाके बाइंड करेगा? HESC से जाके बाइंड करेगा. HESC कहाँ पर है? बी एरिया में है, यानी बी वाले लेबलिंग वाले एरिया में है HESC, राइट. तो ए जो है, ए जो एक सेक्शन में, यानी यहाँ पे जो प्रोब इस्तेमाल किया है वो किससे जाके बाइंड करेगा? बी रीजन में बाइंड करेगा, यानी इसका रिजल्ट हमको बी में देखने को मिलेगा. यानी मैं ए का सेकेंड लेकर चल सकती हूँ, राइट. यानी ए का ये बी ऑप्शन सही होगा, या बी ऑप्शन यानी ये वाला. तो ये हो गया ए का टू सही हो गया, राइट. यानी मुझे जो वीमिश विथ हाइब्रिड HESC प्रोब जो मैं इस्तेमाल करूंगी उसका रिजल्ट मुझे बी सेक्शन में, यानी बी डायग्राम वाले जो मेंशन किया है वहां मिलेगा. ओके ये हो गया फाइन. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए का टू सिर्फ दो ही में है, यानी हमारा थोड़ा इशू जो है वो थोड़ा इजी हो गया कि हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिना पढ़े हटा सकते हैं. दूसरा एक और इन्होंने आसान काम किया है कि बी का, देखिए बी का दोनों ही ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 3, लेकिन हम पहले मैच करेंगे कि 3 होगा भी या नहीं. बी में देखिए क्या बोला है, बी में बोला है वीमिश विद द डेल्टा प्रोब.
वीमिश किया गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया गया है, जिसमें कि डेल्टा प्रोब डाला गया है। तो डेल्टा प्रोब कहाँ किससे बाइंड करेगा, डेल्टा से बाइंड करेगा। डेल्टा कहाँ है, डेल्टा है ए रीजन में, राइट। तो ये जो वीमिश हमने डेल्टा प्रोब के साथ डाला, वो कि कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ए रीजन में बाइंड करेगा, तो ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी है और फर्स्ट ऑप्शन में ए है, तो अभी तक हम सही आंसर पे नहीं पहुंचे। आगे देखिए क्या बोला है, वीमिश विद डेल्टा प्रोब फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ पी एम ए आर वन एम आर एन ए इन टू द फर्टिलाइज्ड एग। तो इस एग में जो है डायरेक्टली पी एम ए आर वन एम आर एन ए डाल दिया गया। तो पी एम ए आर वन एम आर एन ए डालोगे तो ऑब्वियसली सभी जगह पे चला जाएगा पी एम ए आर वन, यानी जहां पे बी मेंशन है, जहां पे हेस सी था, वहां पे भी हमने पी एम ए आर वन बाहर से माइक्रो इंजेक्ट कर दिया। तो यानी पी एम ए आर वन का कंसंट्रेशन मुझे कहां मिलेगा, बी में मिलेगा। तो लेकिन ये जो ऑप्शन है ये पूरा एक साथ है कि हमने वी मिश को अप्लाई किया जिसमें डेल्टा प्रोब इस्तेमाल किया फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ पी एम ए आर वन एम आर एन ए इन टू द फर्टिलाइज्ड एग। तो ये पूरा एक ही प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस पूरा कंबाइन हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, हमको ए और बी दोनों ही एरिया में रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया है एक्चुअल में, लेकिन रिजल्ट इस तरीके से कंबाइन मिलेगा। तो बी का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब सी जो है या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, हम इसके लिए श्योर हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। तो सी का आंसर या तो आपको बोथ ए एंड बी मिलेगा या तो नीदर ए नॉर बी मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या बोला गया है। थर्ड में बोला है वी मिश अप्लाई किया डेल्टा प्रोब के लिए, ठीक है। वी मिश डेल्टा प्रोब के लिए अप्लाई करोगे तो कहाँ रिजल्ट मिलेगा, ए ए रीजन में मिलेगा, जिसको ए जो है डायग्राम में मेंशन किया है उस रीजन में मुझे ए मिलेगा। तो वहां पे मुझे रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, ए में मिलेगा। तो ए में मिलेगा, ध्यान दीजिए, अब ए में मिलेगा और यहां बोल दिया है नीदर ए नीदर बी, तो ये तो ऑप्शन हट गया, यानी फोर्थ ऑप्शन हट गया। तो यानी हर हाल में मुझे जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट, लेकिन देख लेते हैं कैसे मिलेगा। अब वीमिश आपने अप्लाई किया है डेल्टा प्रोब के साथ, जिसका रिजल्ट आपको ए सेक्शन में मिलेगा। दूसरा बोला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एंटी सेंस आर एन ए अगेंस्ट एच ई एस सी इन टू द फर्टिलाइज्ड एग। आपने हेस सी के अगेंस्ट में एंटी सेंस आर एन ए माइक्रो इंजेक्ट किया है, तो इसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे हेस सी है। तो हेस सी कहाँ है, हेस सी बी रीजन में है। तो हेस सी के खिलाफ आपने एंटी सेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, राइट। तो वो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी कहाँ पे जाके काम करेगी, बी रीजन में ही तो जाके काम करेगी, तो बी रीजन में भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये कंप्लीट ऑप्शन है, जिसमें कि डेल्टा प्रोब डाला जा रहा है फॉलोइंग द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एंटी सेंस आर एन ए अगेंस्ट द हेस सी। तो मुझे इसका रिजल्ट ए एंड बी दोनों ही सेक्शन में देखने को मिलेगा, हेंस थर्ड का भी जो है थ्री ऑप्शन सही होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, एंड इन दिस वे वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हॉट क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा टेक्निक को मिक्स करके ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, ओके आंसर बताइए। बोला है सेवरल मैरिन ऑर्गेनिज्म रिलीज देयर गैमेट इनटू द एनवायरनमेंट वेयर स्पर्म अट्रैक्शन एंड सब्सिक्वेंट इवेंट लीड टू द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन विद रेफरेंस टू द सी आर्चिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट आपको पिक करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान दे दीजिएगा कि पूछा क्या गया है, क्वेश्चन का आस्क क्या है, पूछा है नॉट ट्रू, और ये सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, यानी तीन ऑप्शन सही होगा एक ऑप्शन गलत होगा, उस गलत को आपको पिक करना है। बोला है एडिशन ऑफ रिसेट इनटू द ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेनिंग द स्पर्म स्पेसिफिकली अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ ए पंटुलाटा। बिल्कुल सही, हमने ए पंटुलाटा के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, IP3 इज फॉर्म्ड इनिशियली एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री एंड रिलीज सीक्वेस्टर्ड कैल्शियम। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट कितना सही सही एज इट इज लिखा गया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, उसमें ये रिलीज वाला वर्ड वो लोग खा गए थे, ठीक है। रिलीज वाला वर्ड उन्होंने स्किप कर दिया था और अर्थ का अनर्थ हो गया था वो स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम प्रिवेंट डॉकिंग ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ऑफ एग टू द सेल मेम्ब्रेन।
कैल्शियम जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की डॉकिंग को प्रिवेंट करता है. डॉकिंग मतलब कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सेल मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज हो जाता है, तो उसे कैल्शियम क्या प्रिवेंट कर रहा होता है? नहीं भाई, वो क्या करता है, कैल्शियम जो है इंड्यूस करता है, ना कि प्रिवेंट. गलत हो गया ये स्टेटमेंट. नेक्स्ट बोला है इनहिबिटेड दैट स्पेसिफिकली ब्लॉक पीएलसी गामा कैन बी सर्कमवेंटेड बाय माइक्रो इंजेक्टिंग द आईपी थ्री इनटू द एग. यानी ऐसा इनहिबिटर जो कि पीएलसी गामा को ब्लॉक करता है, उस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी उस एक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम आईपी थ्री जो है एग में डाल दें. बिल्कुल सही. अगर मान लीजिए कोई इनहिबिटर है एंड दैट इज ब्लॉकिंग पीएलसी गामा, तो सीधी सी बात है पीएलसी गामा विल नॉट मेक आईपी थ्री फ्रॉम पीआईपी टू, राइट. तो ऐसे केस में अगर आप उस एग में बाहर से आईपी थ्री डाल दोगे तो ये जो ऊपर वाला इफेक्ट है उसे हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बाहर से आईपी थ्री डाल दें तो हम कैल्शियम रिलीज करवा सकते हैं, जो कैल्शियम यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा था क्योंकि पीएलसी गामा काम नहीं कर रहा था. तो वही बोला है कि इनहिबिटर अगर ब्लॉक कर देता है पीएलसी गामा को, तो इस इफेक्ट को हम सर्कमवेंट कर सकते हैं अगर हम आईपी थ्री को बाहर से माइक्रो इंजेक्ट कर दे एग में. तो ये भी ट्रू है. आई थिंक ये भी हमने पढ़ा था, आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है लेक्चर में हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा था, राइट. तो पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो थर्ड वाला ट्रू नहीं, बाकी सब जो है ट्रू है. अगला सवाल. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, काफी इजी सा क्वेश्चन है ये. बोला है ड्राइज परफॉर्म द प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट टू एल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई इन द 8 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो. He obtained normal larva from these embryo. Following possible conclusion could be drawn. आपको बताना है correct inference, correct statement बताना है. पहला है prospective potency of blastomere is less than the actual prospective fate. हमने देखा था ये था, ये case conditional specification का था और potency जो है fate से बड़ी थी, तो ये गलत हो गया. Next, sea urchin embryo is a harmonious equipotential system. Implying that cell interaction is critical for normal development. True है ये. Next, prospective potency of blastomere is greater than the actual fate. बिल्कुल सही. Potency जो है greater होती है fate के. True. Next, prospective potency of blastomere is equal to the prospective fate. ना बेटा ना. B and C सही हो गया. That is second option सही हो गया. अगला सवाल. अंजन जी ऐसे आपको भी समझना है तो ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. कौन बहती गंगा में हाथ धोए जा रहा है तब से, हैं? बोला है आपको आंसर देने के लिए, फटाफट से आंसर दिए जा रहे हैं आप लोग. चलो आंसर दो. देख रही हूं मैं नाम, एक से एक नाम, कौन बात मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है. Following statement are made about the fertilization occur in sea urchin. Statement दिए गए हैं sea urchin के fertilization related. आपको correct statement बताना है. पहला है chemo attraction of sperm to the egg is mediated by sperm activating peptide like bindin. Bindin की मदद से chemo attraction होता है, तो भाई फिर रिसेक्ट कहाँ चला जाएगा? रिसेक्ट तो जाके आत्महत्या कर लेगा फिर, अगर उसने ये statement देख लिया तो, right? तो ये statement क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट, एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एंजाइम अकर. बिल्कुल ये एक नॉर्मल इवेंट है, ट्रू. नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन. आपने ये नया स्टेटमेंट पढ़ा, ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैमेलियन सिस्टम का है, मैमल्स में ये केस होता है, ना कि सी आर्चिन में. तो ये हो गया गलत. नेक्स्ट, एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएटिंग द क्रिटिकल स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट इज रीसेट. जो एक्रोसोमल प्रोटीन होता है, एक्रोसोमल प्रोटीन मीडिएटेड, एक्रोसोमल प्रोटीन जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग करवाता है, वो रीसेट है, ठीक है. तो भाई साहब इन्होंने ना उल्टा पुल्टा कर दिया है.
यहाँ होना चाहिए था एक्रोसोमल प्रोटीन कौन होता है, बिंडिन होता है, ना कि रीसेट। रीसेट तो एक जेली से रिलीज होता है, तो ये क्या हो गया, डी भी हो गया गलत। नेक्स्ट, द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मेज अकॉम्प्लिश बाय द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन, बिल्कुल ये बोला इन्होंने, सत्य वचन बोला है। करेक्ट क्या होगा भाई साहब, करेक्ट तो दो ही मिल रहा है मेरे को, बी एंड ई मिल रहा है बस, बाकी सारे के सारे गलत है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, तो इतना डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चलो अगला सवाल ओके आंसर नाउ। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन सी आर्चिन वेर पुट फोर्थ, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है, द सेल फेट आर डिटरमाइंड बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, सी आर्चिन में दोनों मोड देखे जाते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट, लार्ज माइक्रोमियर आर कंडीशनली स्पेसिफाइड, लार्ज माइक्रोमियर कंडीशनली स्पेसिफाइड होते हैं, नहीं ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होते हैं, आज ही पढ़ाया था, राइट ऑटोनोमसली होते हैं, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, लार्ज माइक्रोमियर प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन फैक्टर दैट स्पेसिफाई द फेट ऑफ देयर नेबर, यस, और नेबर फेट में, नेबर में ये जक्स्टाक्राइन पैराक्राइन के थ्रू क्या करता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करवाता है, जिससे कि एंडोमेसोडोम का फॉर्मेशन होता है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, बीटा कैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर, ऐसे कैसे, हमने अभी अभी डिशेवल्ड एंड बीटा कैट दोनों का रोल देखा और देखा कि बीटा कैट एक मेजर कैंडिडेट है जो माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करता है प्रेजेंट रहकर भी और साथ ही साथ डबल नेगेटिव गेट के फॉर्म में भी माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करवा रहा था, राइट, बीटा कैट के थ्रू ही जो है PMAR1 एक्टिवेट हो रहा था, तो दो दो रोल है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, तो वी कैन गो विथ सेकेंड ऑप्शन। तो जी समाप्ति हो गई।